तो अभी मैं बैंक के अंदर हूँ और ये बैंक ऐसी लग रही है जहाँ ना कि जैसा कोई पैलेस में आ गया ना, ऐसा इंटीरियर है यहाँ पर अंदर। तो अभी आ गए, मेरे पास करेंसी एक्सचेंज कर लिया, दिया 10 GB प्लान का, और उसका दिया मैंने 20 मानत यानी 1000 रुपीज़ में मुझे मिल गया है ये। अभी क्या है कि आप अगर दूर तक भी जाओगे ना, मतलब अंदर अंदर तक, तो डीप नहीं है उतना। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मेरा सेकंड डे है यहाँ पर अजरबैजान में। आज मैं सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज वो सब करने वाली हूँ। मेरी हॉस्टल है साहिल हॉस्टल करके, मैं आपको शाम के जाऊँगी वापस रूम पे, तब मैं दिखाऊँगी आपको। और अभी मैं यहाँ पर हॉस्टल के पास में ही है, जस्ट 2 मिनट के वॉक पे कैपिटल बैंक एक्सचेंज करके है, वहाँ पे मैं आई हूँ करेंसी एक्सचेंज के लिए। और देखते हैं क्या रेट देते हैं। यहाँ पे तो लिखा है 1.7, यानी $100 देते हो आप तो 170 माना देंगे वो, ऐसा। सो देखते हैं अंदर जाके। ये वाली है बैंक और ये कैपिटल बैंक है, ये वाली है कैपिटल बैंक, ये आप याद रख सकते हो। आपको अजरबैजान में हर जगह पे मिल जाएगी आपको, और ATM मशीन्स तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, तो आप कार्ड तो हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। बट कहाँ पे एक्सचेंज करना है डॉलर, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। तो अभी मैं बैंक के अंदर हूँ और ये बैंक ऐसी लग रही है जहाँ ना कि जैसा कोई पैलेस में आ गया ना, ऐसा इंटीरियर है यहाँ पर अंदर। थैंक यू। तो ऐसे यहाँ पर देते हैं। अभी आ गए, मेरे पास करेंसी एक्सचेंज कर लिया, 1.69 समथिंग के हिसाब से दिया है कुछ, मतलब $100 देंगे आप तो 169 समथिंग वो माना देंगे आपको, 169 ऐसा है कुछ, 169.70। और यहाँ पे उन्होंने कुछ पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पूछा है, डायरेक्ट ऐसे डॉलर्स दिए और एक्सचेंज करके दे दिया उन्होंने। तो मैं कल भी यहाँ पे आई थी ब्रेकफास्ट के लिए, और अभी मैं आई हूँ डोनर खाने के लिए। लेट्स गो इनसाइड। हेलो, चिकन शॉर्मा। सो अभी ये चिकन शॉर्मा बोल सकते हो काइंड ऑफ, बट यहाँ की स्टाइल में है, तो यहाँ पे सब पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज वो सब ऐड करके दिया है। so, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो हम रेगुलर खाते हैं उससे तो बहुत ही डिफरेंट है। सी ऐसा है कुछ, जैसे 2 पीसेस करके देते हैं वो, और साथ में मैंने ये लिया है अभी। बट टेस्ट अच्छा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और ये मुझे पड़ा अप्रॉक्स 3.5 वहाँ माना, लाइक 200 रुपीज़ के आसपास कुछ होगा। तो बक्सल करके सिम कार्ड का ऑफिस है, यहाँ पे आई हूँ अभी मैं सिम कार्ड लेने के लिए। सो अभी मैंने बक्सल का सिम कार्ड लिया, उसका मैंने दिया 10 GB प्लान का, उसका दिया मैंने 20 मानत यानी 1000 रुपीज़ में मुझे मिल गया है ये अभी। और बाकी प्लान्स का तो जो रेगुलर प्राइस होता है वो ही, बट सिम कार्ड का उन्होंने 5 मानत लिया था अलग से। बाकी यहाँ पे 3 कंपनी चलती है, बक्सल, अजरसेल एंड नार करके, बट सबसे अच्छा जो होता है वो बक्सल का ही होता है, तो मैंने यहाँ से लिया है। और अभी मैंने जहाँ से लिया वो निज़ामी स्ट्रीट से लिया है। तो अभी हम ओल्ड सिटी बाकू में पहुँच चुके हैं, हम आए हैं। तो देखो ऐसे ही खाली स्ट्रीट होगी, ऐसे ही आप कहीं पे घूम सकते हो, पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ओल्ड सिटी बाकू है, और यहाँ पर ही 3-4 प्लेसेस है जो एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे ओल्ड सिटी में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे मैं अभी हूँ, बैलर मॉस्क है वहाँ पर, लेट मी शो यू। और अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे अंदर जा सके। अगर अंदर जाने का रास्ता मिल गया है तो काफ़ी खूबसूरत है। और अभी हम जा रहे हैं अंदर, लेट्स गो, और अंदर से दिखाती हूँ कैसी है मॉस्क। अगर आप आते हो तो यहाँ पे हाफ डे आराम से स्पेंड कर सकते हो बाकू ओल्ड सिटी में। तो मेडन टावर के अंदर म्यूज़ियम टाइप का बना है, ओल्ड वैसल वो सब का। तो अगर आपको अंदर जाना है तो उसके लिए टिकट लेनी होगी 15 मानत यानी कि
अप्रॉक्स आप काउंट कर सकते हो 750 रुपीज़ में। बाकी आप बाहर भी ऐसे घूम सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है ओल्ड सिटी, आप ऐसे ही ये सब देख सकते हो वॉक करके। सी यहाँ पे आप हाफ डे तो आराम से स्पेंड कर सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, फैमिली के साथ चिल कर सकते हो। यहाँ अभी मैं पहुँच चुकी हूँ हैदर अली म्यूज़ियम में और अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या टिकट प्राइस है वो सब। जो आर्किटेक्चर है हैदर अली उनके नाम से ही ये म्यूज़ियम बनाया है, मतलब उन्होंने ये बनाया था, फिर जो डिज़ाइनर है उसको नोबेल प्राइज़ मिली थी ये डिज़ाइन के लिए। अभी गए थे म्यूज़ियम में, वो बंद था, अभी एवरी मंडे वो क्लोज रहता है, तो अभी वापस आ गए, कल जाएंगे वहाँ पर। और अभी जा रहे हैं कुछ खाने का ढूंढने के लिए, मतलब कुछ लंच करते हैं फिर, और फिर इसके बाद जाएंगे बीच पर। सोया अगर आप आते हो तो याद रखना मंडे वो बंद रहता है, सभी म्यूज़ियम्स बंद रहते हैं यहाँ पर। तो अभी हम कोई रेस्टोरेंट प्रॉपर ढूंढ रहे हैं, तो वो ढूंढने में अभी रास्ते में हम जा रहे थे तो वहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट छोटी सी थी, तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे वो सेल कर रहे थे हॉर्स मीट एंड बफेलो मीट, लाइक व्हाट, डायरेक्ट ही हम बाहर निकल गए वहाँ से। तो अभी मैं आई हूँ से बैक बीच पे और जो है बाकू से 30 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो, मतलब सिर्फ मंडे मत आना, मंडे क्लोज रहता है, बाकी आप हर दिन आ सकते हो। बट मैंने क्या किया, उसके पास में ही दूसरा बीच था तो वहाँ पे वन माना तो दे के हमने एंट्री ले ली यहाँ पर। और मैं कब से बोल रही हूँ हम यानी मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरा यहाँ पर, तो हम दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, उसके बाद दिखाती हूँ बीच पूरा आपको कैसा है वो सब। सो आई एम रेडी फॉर द बीच, बहुत ही ब्यूटीफुल है और क्लीन वाटर है यहाँ पर। बाकी मैंने बहुत रिसर्च की, दूसरे बीच थे वहाँ पर इतना क्लीन वाटर नहीं था, तो मज़ा आ गया पानी में आके। पहले जब आ रही थी ना यहाँ पर तब उतना मूड में नहीं थी क्योंकि सब बोल रहे थे कि बीच बंद होगा वो सब, बट यहाँ आ गया मज़ा आ गया। काफ़ी मज़ा आया वाटर में, आधा घंटा रहे हम यहाँ पर। और ये वाटर पानी का क्या है कि आप अगर दूर तक भी जाओगे ना, मतलब अंदर तक, तो डीप नहीं है उतना, मतलब मैं बहुत आगे तक चली गई थी फिर भी डीप नहीं था, मेरे कमर तक ही पानी आ रहा था सिर्फ। तो आप बहुत ही अंदर तक जा सकते हो अगर आपको जाना है तो। मैं तो ठहर एंड तक गई थी, मतलब एंड तो नहीं बोल सकते, मतलब बहुत आगे तक गई थी मैं, बट मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा क्योंकि आराम से आप वॉक कर सकते हो, ये पानी बहुत ही अच्छा है, मतलब ये बीच एकदम ही, इसीलिए इसको शायद बीच बनाया होगा क्योंकि पता नहीं, बट आप अंदर तक जा सकते हो और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डीप नहीं है यहाँ आगे से ही। यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए भी स्पेस भी है, तो अगर आप आते हो बीच पे तो यहाँ पे ऐसा बैठ भी सकते हो। उस तरफ शेक्स है और यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट बनाई हुई है प्रॉपर। आज तो मंडे इसलिए बंद है, बाकी आप दूसरे दिन आओगे तो यहाँ पर पूरा पब्लिक से भरा हुआ होगा सब कुछ। तो अभी मैं आई हूँ निज़ामी स्ट्रीट में और ये नाइट व्यू में यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल होता है हर जगह पे, और सब लोग यहाँ पे बाहर ही होते घूम रहे होते, मतलब बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ओपन ही रखते हैं, ये क्लोज नहीं करते हैं शॉप्स, तो जैसे आप देख सको सब चीज़ें और आपको दूसरे दिन मॉर्निंग में आके लेना हो कुछ तो आप ले सको। चले गाइस, ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और कल पे मैं बाकू में ही हूँ और बाकू की दूसरी जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करने वाली हूँ, सो मज़ा आने वाला है। सो अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं करते तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।